एवरीवन, आई एम ललिता धाकर फ्रॉम ललिताज इंग्लिश क्लासेस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल होता है, और आप अगर कर भी लेते हैं ट्रांसलेशन तो वो गलत होता है, वो यूज़ में ही नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस की। तो उसी सीरीज़ में आज हम कुछ और ऐसे सेंटेंस सीखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हम बोलते हैं, हिंदी में आप यूज़ करते हैं, आज से आप इंग्लिश में यूज़ करिएगा। सो लेट्स बिगिन। सेंटेंस इज, मैं मेरे पापा को कैसे समझाऊं। ऐसा सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं जब भी हमें कहना हो कि मैं मेरे पापा को कैसे समझाऊं, मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये सेंटेंस बोलना चाहिए, हाउ डू आई मेक माई फादर अंडरस्टैंड। हाउ डू आई मेक माई फादर अंडरस्टैंड, हम तुम्हारी मम्मी को कैसे समझाएं। आपके दोस्त कभी ना कभी ऐसे सेंटेंस बोलते ही होंगे, तो इसको बनाएंगे, हाउ डू वी मेक योर मदर अंडरस्टैंड। हाउ डू वी मेक योर मदर अंडरस्टैंड सेंटेंस, ये काम हो जाना चाहिए था, ऐसा सेंटेंस हम बोलते ही हैं। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, दिस वर्क शुड हैव बीन डन। दिस वर्क शुड हैव बीन डन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। बोला होगा आपने भी ये सेंटेंस हिंदी में, इंग्लिश में हम कहेंगे, विल यू डू मी अ फेवर। विल यू डू मी अ फेवर। और आज का लास्ट सेंटेंस है आप सबके लिए, मेरी हंसी छूट गई। आप हंसना नहीं चाहते लेकिन आपकी अचानक हंसी छूट जाती है, तो आप कहेंगे, आई कुडंट होल्ड लाफिंग। आई कुडंट होल्ड लाफिंग। आप अब इन सेंटेंसेस को अपने डेली रूटीन में प्रैक्टिस जरूर करें। जितनी बार आप बार बार बोलेंगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। आपको इनमें से कौन सा सेंटेंस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियोस आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन से वीडियोस आपको चाहिए ये भी लिखिएगा। थैंक यू सो मच। लाना हो लाइफ में सक्सेस तो फॉलो ललिताज इंग्लिश क्लासेस। एकदम आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए आज ही हमारा यूट्यूब चैनल ललिताज इंग्लिश क्लासेस सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि वीडियो आपको मिलते रहें।